नजर आ रहा है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा यहाँ पे जो दमकल की जो टीमें हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें सर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे सर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कैसे चल रहा है अभी? ऑफिसर सर ये इनसे बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, वास्तविक नजर बनाए रखिए। इंदौर से भी जुड़े हुए हैं मिथिलेश, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हरदा अग्निकांड पर बड़ा एक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी खबर। कलेक्टर एसपी को हटाया जा सकता है, क्योंकि लगातार सवाल ये कि आखिर एक्शन कब होगा। एसडीएम और सीएमएचओ पर भी गाज गिर सकती है, तो बड़ी कार्रवाई यहां हो सकती है। हरदा अग्निकांड के बाद कलेक्टर को, एसपी को, यहां उन पर गाज गिर सकती है। साथ ही इस गाज के चपेटे में एसडीएम और सीएमएचओ भी आ सकते हैं। और वास्तु जहां पर ये फैक्ट्री थी वहां का हाल आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, शैलेंद्र चौहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मिथिलेश और प्रशांत भी आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। मिथिलेश, आपका मैं रुख करूंगी, आपके पास क्या है अपडेट? इस वक्त मैं एमवाई हॉस्पिटल में मौजूद हूं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग घायल हुए हैं उनका इस वक्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर में भी आपको दिखा रहा हूं, जो एमवाई के अधीक्षक हैं वो आपको तस्वीरों में गेट पर नजर आएंगे। वन यूनिट की जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है, चलिए उनसे बात भी करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर? नहीं, व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से कर ली गई हैं, चाहे वो बर्न के पेशेंट्स के लिए हो, हेड इंजरी और फ्रैक्चर के लिए। सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सिंग स्टाफ को, सभी क्लास फोर सभी को ऑन अलर्ट पर रखा है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे सभी ऑन अलर्ट है। और जैसे ही पेशेंट्स, अभी एक पहला पेशेंट शायद अभी जल्दी आ जाएगा, तो जो पेशेंट्स आते जाएंगे तो उनको सुचारू रूप से इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो अभी पेशेंट आ रहे शायद उनको हेड इंजरी है ऐसा पता चला? हाँ, तो हेड इंजरी के लिए हमने डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं और वो तत्काल जैसे आएंगे तत्काल उनका सब जांचें करा के उनका इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, क्या ब्लड की भी सारी व्यवस्थाएं जो भी है पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है? सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त कर ली गई हैं और दिन में ही वो तस्वीर हमने दिखाया था। कोई आंकड़ा अब तक समझ में आ पाया है इंदौर के कितने लोग यहाँ पर काम करते थे और इंदौर से भी कई मजदूर जाते थे इस फैक्ट्री में काम करने के लिए? देखिए, अभी तक जो लोग यहाँ पे, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनके परिवार के हिसाब से करीब 20 से 25 लोगों की जानकारी आई सामने कि जो उसी फैक्ट्री में